हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेन स्केचिंग ड्राइंग फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों शीट हम यहां पर कार्ट्रिज यूज़ करने वाले हैं। मास्किंग टेप की हेल्प से हमने उसको पेस्ट कर लिया है बोर्ड के ऊपर। तो स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों अपनी HB पेंसिल के साथ। जैसा कि मैंने हमेशा दोस्तों आपसे कहा है कि पेन ड्राइंग करने से पहले आपको एक रफ आइडिया अपना पेंसिल स्केचिंग से लेना होगा। तो हम पेंसिल से दोस्तों अपने यहाँ यहाँ पर स्केच कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो चीज़ें शो करने वाले हैं इस ड्राइंग में, वो आपने दोस्तों थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कुछ पत्थर हैं एंड स्टेयर्स हैं। तो वो चीज़ हमें दोस्तों यहाँ पर शो करनी है। तो आप समझेंगे कि किस तरीके से दोस्तों हमने उसको हैचिंग से, क्रॉस हैचिंग से एंड पेन को किस तरीके से हमने जो है अटैम्प्ट किया है, सो डैट आप अपनी स्केचिंग्स को पेन की और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी दोस्तों हमें अपनी स्केचिंग करनी है, तो रेफरेंस देखिए दोस्तों, आप हमेशा जो भी यूज़ कर रहे हैं, सो लाइक जो भी फोटोग्राफ आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने घर पे जो है आसपास का एरिया जो भी आपने क्लिक किया है, तो जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले पेंसिल से अच्छे तरीके से अपनी मार्किंग कर लें कि जिस जिस एरिया को आपको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, सो डैट आप उसके ऊपर पेन को जो है दोस्तों बढ़िया तरीके से चला पाएँ। तो यहाँ पर हम अपने जो है रेफरेंस के हिसाब से देखिए दोस्तों ड्रॉइंग यहाँ पर कर रहे हैं और वो भी पेंसिल से, सो डैट पेंसिल से ड्रॉ कर लेने के बाद हम पेन को अच्छे तरीके से उस पर यूज़ कर पाएँ। पेन स्केचिंग दोस्तों अपने आप में एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। जब चीज़ें इसमें ड्रॉ होने के बाद बाहर निकल के आती हैं, तो अपने आप में एक जो है यूनिक उसका जो है स्टाइल दोस्तों देखने में नज़र आता है। तो यहाँ पर स्टेज के लिए हमने इस तरीके से दोस्तों लाइनें बना ली है एंड ये आप देख सकते हैं कि ऐसा नज़र आ रहा है कि सीन इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ इस व्यू को जो है देख रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है दोस्तों एक हिस्टोरिकल जो प्लेस है शायद वो है ये। तो यहाँ पर जो भी ये सामने की तरफ हमारी दीवार है एंड ये साइड में पत्थर है दोस्तों, तो इन पत्थरों के साइड में यहाँ पर एक सूखा पेड़ है, तो उस पेड़ की जो है टहनियाँ और इस तरीके से जो है चीज़ें हम बनानी शुरू करेंगे। देन उसके बाद उसको पेन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों पेंसिल से हमने जो है अपना बेसिक जो भी हमें स्ट्रक्चर बनाना था वो हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है एंड देन अब इसके बाद हम इसके ऊपर पेन चलाना आराम से दोस्तों शुरू कर सकते हैं। तो पेन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रश का मेरे पास फाइन लाइनर पेन है एंड 0.8 mm है। तो आगे की चीज़ें जो भी आपकी हैवीली होगी, जो भी जब आपकी बहुत ज़्यादा डार्क होगी, वो सारी चीज़ें आप आगे की 0.8 से अटेम्प्ट कर लीजिए। देन धीरे धीरे पीछे जाते हुए अपने पेन की निप को पतला कर सकते हैं डिस्टेंस को दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि पेन से आप जो है डायरेक्टली आउटलाइन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आउटलाइन कर लेने के बाद फिर चीज़ों को हैच करना शुरू कर दीजिए, यानी कि पेन को स्टेप बाय स्टेप तरीके से दोस्तों आपको चलाना है एंड अपने डार्क एरियाज़ को और मीडियम एरियाज़ को पहले अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि पेन की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर मैटर करती है। तो पेन की डायरेक्शन को जो है मैं यहाँ पर एक ही तरीके से जो है लेता हुआ चलूँगा और डिपेंड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से मुझे कैसे पेन की हैंडलिंग को चेंज करना है। सो डैट चेंजेस आने से दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो हर डायरेक्शन को एक जैसा यहाँ पर नहीं रखना है। कुछ वर्टिकल लेंथ हैं जैसे स्टेयर्स हैं, तो वहाँ पर हमें वर्टिकल जो है हैच करना होगा और वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है तो उसको दिखाने के लिए लाइन को हॉरिजॉन्टल चलाना होगा। पत्थर है तो ये रैंडम चीज़ है, इसमें कर्व्स एकदम से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं पत्थर, तो उसमें आप अपने हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हैं। बट ओवरऑल सबसे पहले एक डायरेक्शन को फॉलो करें, देन उसके बाद उसमें चेंजेस लाने शुरू करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों किस तरीके से हम यहाँ पर जो है चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड गैपिंग जो रहेगी अपनी पेन के बीच में। देखिए दोस्तों पेन हैचिंग में जो एक रूल बताया गया है और जो चीज़ देखने वाली होती है कि आप अपनी पेंसिल या फिर पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं हैचिंग के लिए, जब आप उनके बीच का गैप कम करना शुरू कर देते हैं या फिर उनको टच करना आपस में शुरू कर देते हैं, सो आपको डार्क शेड दोस्तों मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप उसके बीच में गैप देना जितना ज़्यादा शुरू कर देंगे, देन आपकी लाइट शेड आपको दोस्तों मिलने लगेगी। और डायरेक्शन के हिसाब से चेंज करने के लिए आपको दोस्तों ये समझना होगा कि अगर आपका पत्थर ऊपर की तरफ से मूव हो रहा है तो वो स्लान डायरेक्शन में जा रहा है या हॉरिजॉन्टल जा रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को चेंज कर दीजिए ताकि जो एक कर्व आप अपने पत्थर को या फिर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से दोस्तों दे पाएँ। तो मेरा जहाँ तक मानना दोस्तों ये है, वो ये है कि पेन स्केचिंग देखिए टाइम टेकिंग तो दोस्तों है, लेकिन सेटिस्फाइंग और रिलैक्सेसिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको अपना टाइम, कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी होंगे कि जो घर बैठ के अपना जो है पूरा दिन जो है स्पेंड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को और सोचते हैं कि हम क्या से क्या करें, तो दोस्तों मैं आपको पेन के लिए रिकमेंड जो है ज़रूर करूँगा। अगर आप पेन ड्राइंग को दोस्तों करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा
लेंदी हो जाएगी एंड आपका दिन भी जो है अच्छे तरीके से कट जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। और अगर आप दोस्तों नॉर्मली अपनी पेन स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर जनरली भी आपका दोस्तों देखिए 1 घंटा तो कहीं नहीं जाता अगर आप एक नॉर्मली जो है कोई ड्राइंग बनानी शुरू करते हैं तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है बस चीज़ों में जितना ज़्यादा देखिए इसमें डिटेल्ड है दोस्तों, आप पेन से मर्जिंग तो नहीं कर सकते, ये बात आप समझ सकते हैं कि जैसे पेंसिल में एंड चारकोल में, कलर पेंसिल में, अदर मीडियम्स में आप ब्लेंड करके चीज़ों को फैला सकते हैं तो जिससे कि आपका जो शॉर्ट टाइम जो है वो कम लगता है। बट पेन में ऐसा कुछ नहीं है, पेन में दोस्तों सिंगल लाइन ही आपकी चलती है एंड आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपनी चीज़ों को वैसा बनाने के लिए जैसा कि आप बनाना चाहते हैं। तो या यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके का गेटअप हमारे यहाँ पत्थर का जो है वो आ रहा है एंड वाइट चीज़ों को लाइट चीज़ों को दोस्तों अपना छोड़ते हुए ही आप चलिए तो चीज़ें आपकी जो है बढ़िया जो है दिखने लगेगी। क्योंकि जहाँ तक कि दोस्तों देखिए मेरा अपना मानना है और जहाँ तक कि मैंने इतनी सारी पेन स्केचिंग की है तो वाइट शेड एक अलग ही जो है पहचान जो है एक अलग ही चीज़ आपका जो है निकालने वाली आ जाती है। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कि ब्लैक एंड वाइट जो है पेन को हम किस तरीके से ग्रे शीट के ऊपर यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों पेन का अपना एक अलग रुझान है और इसका ये एक अपनी एक टेक्निक है। अभी तो फ़िलहाल हम हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के तरीके से दोस्तों काम कर रहे हैं, स्क्रबलिंग में भी मैंने आपको काम करके दिखाया हुआ है क्योंकि ये कुछ ऐसे टेक्निक्स है दोस्तों जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो आप यहाँ देख स्टेप बाय स्टेप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि पत्थरों की जो शेड है वो मैं किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आउटलाइनिंग भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आउटलाइनिंग नहीं हो रही है, आउटलाइनिंग करने के बाद जो है एक डायरेक्शन को पहले फॉलो किया जा रहा है देन उसके बाद चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको हमेशा जो है ध्यान रखनी है अपने काम करते वक्त। इवन बॉल पॉइंट पेन से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो चीज़ें बिल्कुल रियलिस्टिक भी जो है बनाते हैं और ये चीज़ देखने वाली दोस्तों अच्छी है कि देखिए अगर आप लार्ज स्केल पे किसी मीडियम को यूज़ करते हैं तो वो मीडियम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर छोटा जो है दिखने लगता है, सो डैट उसकी हेल्प से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक पेन दोस्तों आपका अगर आप एक A5 शीट पे जो है उसकी निब रखें तो उसके लिए शायद वो थोड़ी मोटी हो, लेकिन वही निब अगर आप बहुत बड़ी शीट पे जो है यूज़ करते हैं लाइक A1 पे यूज़ करते हैं और A1 से बड़े कैनवासेस पे यूज़ करते हैं तो वो निब वहाँ काफ़ी ज़्यादा छोटी लगने लगती है। तो अगर आपको दोस्तों बड़े स्केल पे रियलिस्टिक चीज़ बनानी है या अच्छी चीज़ डिटेल्ड बनानी है तो आपको इसलिए शीट का साइज़ बड़ा रखना होगा और अपनी निब का साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पेड़ों को भी हम जो है इस तरीके से डार्क शेड करते हुए आप देख पा रहे हैं कि सूखा पेड़ है तो उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पर चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि चीज़ें हमारी यहाँ सही से सही निकले और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब जिस तरीके से दोस्तों हमने अपना लेफ़्ट साइड का काम ख़त्म किया है वही तरीका हम जो है अपना राइट साइड भी अब यूज़ करने वाले हैं एंड चीज़ों को आउटलाइन करते हुए जो है चलेंगे और बढ़िया तरीके से अपना शेड को दोस्तों अटेम्प्ट करेंगे। तो ये देखिए
यहाँ पर हमने किस तरीके से स्लांटिंग लाइन को भी दोस्तों यूज़ किया है और शेड को डार्क करने के लिए कंटिन्यूसली आप जो है लाइन को लगाइए, देन जहाँ पर आपको डार्क शेड देना है वहाँ पर अपनी लाइनों के बीच का गैप कम कर दीजिए या लाइनों को एक साथ आपस में टच कर दीजिए, तो आपको जो इफेक्ट है वो दोस्तों बिल्कुल और बढ़िया जो है देखने को मिलेगा। एंड आई होप दोस्तों पेन स्केचिंग में आपको इंटरेस्ट भी जो है ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि पेन स्केचिंग और पेंसिल स्केचिंग में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बस सीखने वाली जो चीज़ है दोस्तों होती स्टार्ट पेंसिल से ही है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है पेन से काम करना शुरू कर सकते हैं, आपको स्टार्टिंग दोस्तों पेंसिल से ही करनी होगी। इसलिए आप पेंसिल से दोस्तों पहले अपनी चीज़ें शुरुआत करें, देन उसके बाद अपना पेन के साथ एंड जितने भी दुनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स हैं उनको आप ट्राई कीजिए। मेरा जो रिकमेंडेशन आपको है दोस्तों वो यही है कि पेन स्केचिंग की जो टेक्निक्स है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड स्क्रबलिंग, तो ये सारी चीज़ें आप जो है कम से कम ट्राई करें थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और कमेंट करके दोस्तों आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि पेन स्केचिंग आपको कैसी लग रही है कि और कितना जो है आपको सीखने को मिल रहा है, कितना मज़ा आपको पेन स्केचिंग के साथ आ रहा है। क्योंकि पेन स्केचिंग में दोस्तों मैंने जिस तरीके से आपको ह्यूमन फिगर्स भी बनाने सिखाए हैं और पेन के साथ आप जो है पेंसिल को भी, चारकोल को भी, वाटर कलर को भी, इन सारे मीडियम्स को जो है आप यूज़ कर सकते हैं, तो क्या एक इफ़ेक्ट आपको जो है देखने को मिल रहा है, क्या यूनिकनेस आपको चीज़ सीखने को मिल रही है, वो चीज़ दोस्तों मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें, मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड देन नए आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। सो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम जो है अपनी चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहे हैं। मेन अपना सेम तरीका है, पर चीज़ों को अटैम्प्ट करने का टाइम दोस्तों लगने वाली चीज़ है, तो टाइम आपका लगेगा। तो सेम अपने जो पत्थर है, अब जैसे पीछे की तरफ के जो पेन है दोस्तों वो मैं अपनी तरफ से जो है पतले जो है यूज़ करने शुरू कर रहा हूँ। जैसे सामने के जो पत्थर हैं वो तो चलो आपने बोल्ड पेन से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिए, सो डैट एक सामने वाली जो चीज़ें हैं काफ़ी भारी और जो है मोटी लाइन्स उसकी नज़र आएँ, लेकिन जैसे ही चीज़ें आपकी जो है दूर जाने शुरू हों आप जो है पेन में चेंजेस कर सकते हैं, पेन में जो निब्स हैं वो जो है पतली यूज़ कर सकते हैं। तो सेम तरीका दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सारे पत्थरों में, जैसे हमने काम किया था वही पत्थरों में हम जो है यहाँ पर अपना काम रिपीट करेंगे। एंड स्टेयर्स पे जब दोस्तों हम आएंगे तो स्टेयर का जैसे मैंने आपको बताया था कि दोस्तों स्टेयर्स वर्टिकली एक दीवार की तरीके से भाई हमारे सामने फील हो रही है, तो इसमें जो हैचिंग होगी वो जो हम स्टोन्स में जैसे शेड कर रहे हैं वैसे नहीं करेंगे, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। कुछ कुछ कॉर्नर्स पे हम जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे पत्थरों के साथ जो सीढ़ियाँ अटैच हैं वहाँ पर आप जो है स्लांटिंग डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ जो नॉर्मल शेड रहेगा आपका ओवरऑल वो एक फ्लैट यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। तो चीज़ें समझने वाली दोस्तों देखिए ये है कि ज़िंदगी में जब आपको कुछ ना कुछ दोस्तों एक बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है बढ़िया तरीके से, तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ही आपको जो है एक्सपीरियंस जो है देती हैं और आपको एक्सपीरियंस होल्डर बनाती है। क्योंकि एक्सपीरियंस दोस्तों ऐसे बिल्कुल नहीं आता है कि आप दो तीन वीडियोस देखें और बस उसको देखने के बाद जो है सोचें कि मैंने वो चीज़ देख ली है और मैं परफेक्ट उसमें हो चुका हूँ, मुझे समझ आ गया है कि काम करना कैसे है। प्रैक्टिकली फील्ड है दोस्तों, सच मानिए प्रैक्टिकल फील्ड में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप थियोरेटिकली कुछ नहीं रट सकते हैं, सिर्फ देखने पर भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता अनटिल जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते हैं। तो मैं आपसे दोस्तों यही कहूँगा कि आप जो है ट्राई ज़रूर करें, ताकि ट्राई करने के बाद आपको डाउट्स, प्रॉब्लम, चीज़ें समझ में आए एंड देन आप जो है उसको ओवरकम कर पाएँ। तो यहाँ पर पहले हम अपनी सीढ़ियों की जो हमारी लाइन रहेगी दोस्तों, उन सीढ़ियों की लाइन को हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं जो आउटलाइन है, क्योंकि आउटलाइनिंग की मेन इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंस बात यह है कि पेन स्केचिंग करते वक्त आपको आउटलाइनिंग पे भी जो है ध्यान देना पड़ता है। पेंसिल में जो है दोस्तों एक टाइम के लिए आउटलाइनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसको आप जो है शेडिंग करके कवर अप कर सकते हैं, बट पेन के साथ वो चीज़ नहीं है, तो इसलिए पेन से आपको आउटलाइनिंग ज़रूर करनी पड़ती है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से पेन की जो हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है उसको दोस्तों अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद और पीछे की अभी जो वॉल है, वॉल की भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करके चीज़ों को नया लुक देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद दोस्तों देखिए आपके भी जो सजेशंस हैं वो भी अभी एक दो सजेशंस अधूरे हैं, वो उन पे भी मुझे काम करना है, तो उन पे भी दोस्तों मैं धीरे धीरे जो अपना काम करना शुरू करूँगा और आपके सामने वीडियो जो है लेकर के आऊँगा। सो
चलेंगे किनारे किनारे पे, हल्का हल्का हॉरिजॉन्टल शेड भी जो है करते हुए चलेंगे, सो डैट क्योंकि हमें इन सीढ़ियों पे दोस्तों इनका ऊपर का सरफेस जो है नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ये फ्लैट हमारे सामने जो सीढ़ियों का एक मत्था होता है वो नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें जो है चीज़ों को, तो हमारा जो है जब पेन का काम ख़त्म हो जाएगा तो आप उसके ऊपर कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दीवार को जो है मैंने ब्राउन कलर का दोस्तों दिखाने की कोशिश की है, तो पेंसिल मेरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, ब्लंट पेंसिल है, बस उसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैं यहाँ पर जो है शेड कर रहा हूँ, एंड वर्टिकल इसलिए क्योंकि भी दीवार है तो दीवार को एक जो है स्टैंडिंग जो है मुझे पोजीशन में जो है शो करना है, तो ये ज़रूरी है कि भाई जो चीज़ मेरी स्टैंडिंग है तो उसको डायरेक्शन आप वर्टिकल इस तरीके से दें तो एक फील उसमें जो है बढ़िया तरीके से आ जाएगा। जो आपकी ईंटों की लाइन है ब्रिक्स की, उनको आप इस तरीके से आउटलाइन कर देंगे तो चीज़ें थोड़ी सी डार्क और हाईलाइटेड हो जाएगी बढ़िया तरीके से, एंड चीज़ें जो है अपने आप में सही लगने लगेगी। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो पेन का गेटअप है वो किस तरीके से एकदम से यहाँ पर चेंज हो गया है। अब पीछे का जो आपका स्काई वाला पोर्शन है उसमें भी हम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से ब्लू, लाइट ब्लू कलर को जो है अप्लाई करेंगे, तो हमारी जो पेन स्केचिंग थी वो अब एक तरीके से किस हद तक दोस्तों चेंज हो गई है ये चीज़ आपको शायद किस तरीके से सीखने को मिली हो मुझे दोस्तों समझ में आ सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो
ये था दोस्तों कंसेप्ट हमारा कि किस तरीके से हमें जो है पेन स्केचिंग करनी चाहिए। और आई होप दोस्तों आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।